नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बादशाह ब्रोकिंग के एक और स्टॉक मार्केट के ब्लॉग में। टाइम ख़राब किए बिना सीधा चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ऑप्शंस के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं और 95% लोग ऑप्शंस को खरीद के चलते हैं। और इसका कोई शानदार सा रीज़न नहीं है, बस एक इतना सा रीज़न है कि सस्ती चीज़ों को शौक बना लिया है जो ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस में। स्पेशली उनको लगता है कि यार जो चीज़ सस्ती मिल रही है वहाँ पर पैसा लगा लो, फिर चाहे पैसा बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हमने सस्ती चीज़ के अंदर ही पैसा लगाया है। एक बारी सोचो, ऑप्शन खरीदना जो होता है, अगर कोई ऑप्शन 100 रुपये की चल रही है, जैसे हम लोग निफ्टी के इंडेक्स की ऑप्शन की बात करते हैं, अगर कोई ऑप्शन का प्राइस 100 रुपये है और सपोज करो लॉट साइज 50 रुपये का है, तो 5,000 रुपये के अंदर आप वो ऑप्शन को बाय कर सकते हो, 100 × 50। लेकिन अगर उसी ऑप्शन को पहले आपको शॉर्ट सेल करके चलना है तो आपको पूरा मार्जिन देना पड़ेगा जितना निफ्टी के फ्यूचर का मार्जिन लगता है। सपोज कर लो कि 1,50,000 रुपये का मार्जिन लगता है, तो शॉर्ट करने के लिए ऑप्शन को 1,50,000 रुपये का मार्जिन चाहिए। लेकिन आप लोग सोचते हो यार 5,000 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है, खरीद लेते हैं, देखी जाएगी। और 90 to 95% ऑप्शन जो होती हैं वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाती हैं, यानी जीरो पर एक्सपायर हो जाती हैं। आपको सस्ती ऑप्शन कौन सी मिलेगी, आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी, वो आप जाके ऑप्शन खरीदोगे। और कई लोग ऐट द मनी भी खरीद लेंगे। ऐट द मनी में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि जैसी मूवमेंट होगी तो वो इंस्टेंटली मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन फिर उसमें आप लोग प्रीमियम भी ज़्यादा पे करते हो। तो पहले तो ऑप्शन का ज्ञान समझ लो, वो बड़ा ज़रूरी है। कई ये तो पार्ट 3 है ऑप्शन की सच्चाई का, पार्ट 1 पार्ट 2 भी हमने यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, जाके अच्छे से चेक कर लो तो आपको ये बात भी ढंग से समझ आ जाएगी कि ऑप्शंस के अंदर कहाँ पर सबसे ज़्यादा कमाई का मौका मिलता है। ट्रेडिंग नहीं करनी है ऑप्शन में, बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, लेकिन एक हेज पोजीशंस के अंदर आप काम ज़रूर कर सकते हो। हेज पोजीशंस वो पोजीशंस होती हैं जहाँ पर आप अपने लॉस को सिक्योर कर देते हो, क्योंकि ऑप्शन बाय करने के अंदर एक एडवांटेज आपको नज़र आती है जिसका कोई दूर दूर तक यूज़ नहीं होता। वो एडवांटेज ये नज़र आती है कि एक लिमिटेड लॉस हो सकता है, वो आप ऑप्शन को शॉर्ट सेल करके भी लिमिटेड लॉस वाली चीज़ कर सकते हो, अगर आप उसमें एक हेज पोजीशन बना लेते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ऑप्शंस में जो आपको पहले समझनी पड़ेंगी। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको लगता है 5-10 हज़ार रुपये की तो बात है, चले गए तो पैसे चले जाएंगे, लेकिन वो 5-10 हज़ार रुपये आपको वो चस्का लगा जाते हैं, कल को आप 50 हज़ार रुपये भी गवाओगे, 1,00,000 रुपये भी गवाओगे, और ऑप्शन एक के बाद एक बाय कर करके गवाओगे। वो सस्ते शौकों की आदत डल चुकी है लोगों को, उस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। इस चंगुल से बाहर निकल जाओ। ऑप्शन खरीदने वाला पैसा नहीं बनाता, ऑप्शन सेल करने वाला पैसा बनाता है। ऑप्शन खरीदने वाले को सिर्फ सपना मिलता है कि वो पैसा कमा लेगा। जिस दिन शेयर बाजार आपको ऑप्शन में पैसा कमा के देगा खरीदने वाले को, उस दिन जब 10 रुपये की चीज 20 रुपये होगी तो आप उसमें से बाहर निकल जाओगे, वो बंद होगी 200 रुपये जाके। उस दिन आप सोचोगे कि यार अब अगली बारी तो मैं पूरा 3.5 तक वेट करूंगा, फिर अगली 10 बारी वो 10 रुपये वाली चीज 0 पे जाके बंद होगी, तो आप सोचोगे कि यार ये इंट्राडे के अंदर 20 भी गई थी, 30 भी गई थी, मैं बेच के ही बाहर हो जाता। फिर 11वीं बारी अब दोबारा से 10 रुपये वाली चीज़ को 20 में बेच के बाहर निकल जाओगे, वो अगली बारी 500 रुपये बंद होगी। तो मेरे भाई, जब पोजीशनों के अंदर से आप लोग निकल जाओगे उस दिन वो जाके ऑप्शन ताबड़तोड़ बंद होगी, और जिस दिन आप पोजीशन में बैठे रहोगे वो 0 बंद हो जाएगी। तो ये लॉजिकों को समझना बड़ा ज़रूरी है। ऑप्शन बाय करके पैसा सिर्फ लुटाओगे, पैसा बना नहीं पाओगे। जब बनाना होगा, जिस दिन मौका होगा बनाने का, उस दिन आप पोजीशन के अंदर बैठोगे नहीं, तो एक तरीके से जुए वाली कहानी हो जाएगी, गैम्बल वाली। भाई तुक्का है, जब चल गया चल गया। तो वो काम से ज़्यादा बेहतर है ऑप्शन सेल करना, जहाँ पर 90-95% ऑप्शन बायर के पास ये प्रोबेबिलिटी होती है लॉस करने की, वहीं 90-95% प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन सेलर के पास पैसा कमाने की। तो सही समय के ऊपर जुड़ना बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग तरीके से उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकें। बहुत जल्दी हम लोग ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज लेकर आ रहे हैं कि जिसके अंदर स्ट्रैटेजी आपके पास होगी उनके ऊपर आप लोग काम कर सकते हो, तो वो आपके लिए एक बेहतर चीज़ साबित होने वाली है। लेकिन तब तक मेरे भाई, ये ऑप्शन खरीद खरीद के अपने पैसे को मत खराब करो, पहले ऑप्शन का पूरा ज्ञान ले लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्शन की पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएंगे एग्जांपल के साथ, कि कैसे उसके पूरे का पूरा जाल होता है जिसमें आप लोग जाके फंस जाते हो। तो भाई
अपने माइंड में ये विजन बिल्कुल क्लियर रखो, ऑप्शन सेल सेल करके चलना है, बाय करके नहीं चलना है, और सेल भी करके चलना है तो वो एक हेज स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रॉपर, जहाँ पर आप अपने लॉस को भी सिक्योर करके चल रहे हो कि भाई साहब ये अनलिमिटेड लॉस की तरफ ना चली जाए पोजीशन। और तीन के अंदर से तीन घर हैं ऑप्शन के अंदर, प्राइस मूवमेंट में या तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या वहीं खड़ा रह जाएगा। तो ऑप्शन सेलर के पास दो घर पे वैसे ही हो जाते हैं, या तो उसके फेवर में मूवमेंट कर जाए या वहीं के वहीं खड़ी रहेगा, तो प्रीमियम डिके हो जाएगा, उसका फायदा कमा लोगे। वहीं ऑप्शन बायर के पास तीन में से दो जगहें ऐसी हैं जहां पर वो अपना लॉस क्रिएट कर देता है, और तीसरी जगह के ऊपर भी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, तो यानी ऑलमोस्ट तीनों की तीनों जगह के ऊपर लॉस क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन प्रॉपर इसकी वीडियो बनाएंगे, वो आप समझ लेना। जुड़ो, पैसा कमाओ, बादशाह ब्रोकिंग के डैशबोर्ड के साथ जुड़े रहो, पैसा कमाने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। और हबड़ा दबड़ी नहीं करनी, बिल्कुल सोच के समझ के हर चीज़ को एग्जीक्यूट करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट स्टॉक मार्केट के व्लॉग में। जय हिंद।